नमस्कार जय हिंद साथियों, मध्य प्रदेश के लोकसभा चुनाव चल रही इस वक्त की बहुत बड़ी खबर निकल गई सामने आ रही। यहाँ से बता दें कि केंद्रीय कैबिनेट मंत्री ज्योतिराज सिंधिया की पत्नी उतरेगी लोकसभा चुनाव में। जी हाँ साथियों, जानेज ब्यूरो के माध्यम से वो महिला वोट बैंक को साधने वाली हैं। जी हाँ साथियों, जानेज इस ब्यूरो के माध्यम से। इससे पहले आप चले पहली बार तो बिल्कुल लाइव अच्छे सब्सक्राइब करना मत भूलें। हाँ साथियों, बता दें कि गुना शिवपुरी संसदीय क्षेत्र में केंद्रीय मंत्री ज्योतिराज सिंधिया चुनाव प्रचार लगे हुए हैं। भाई दूसरी ओर आप उनकी पत्नी प्रिय दर्शनी राजे भी जनता के बीच जाकर अपने पति के लिए वोट मांगने वाली। हम आपको बताते केंद्रीय मंत्री ज्योतिराज सिंधिया की पत्नी प्रिय दर्शनी राजे का 3 दिवसीय कार्यक्रम तय हो गया है, जिसमें विभिन्न स्थानों पर आयोजित मातृ शक्ति कार्यक्रम के दौरान महिलाओं के वोट बैंक को साधने वाली है। बताया जा रहा है इसके साथ ज्योतिराज सिंधिया की पत्नी प्रिय दर्शनी राजे 1 अप्रैल को ग्वालियर से पूरी जिले के ग्रामीण इलाकों में भ्रमण करने वाली हैं। लोकसभा चुनाव के लिए मध्य प्रदेश की महिलाओं को लुभाने वाली हैं। बता दें केंद्रीय मंत्री ज्योतिराज सिंधिया की पत्नी प्रियदर्शनी राजे सिंधिया अब 3 अप्रैल तक गुना शिवपुरी संसदीय क्षेत्र में रहने वाली हैं। इसी दौरान विभिन्न स्थानों पर मातृ शक्ति कार्यक्रम भी लगाए गए हैं, जिसमें महिलाओं को संबोधित करते हुए महिला वोट बैंक को साधने वाली हैं। इसके साथ ही 2 अप्रैल को मुंगावली और अशोकनगर जैसे क्षेत्रों में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 3 अप्रैल गुना उमियान और बदरवास में कार्यक्रम होने वाला है। इस बार लोकसभा चुनाव में भरसक जीत के साथ भरसक तैयारी के साथ अपनी पति का सहारा देने वाली है। जय हिंद साथ, वीडियो चले तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलें। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं वीडियो में।